हेलो स्टूडेंट्स, एपी को कंटिन्यू करते हैं हम। तो एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग क्या है। इन थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ एपी आर, इफ थर्ड टर्म और नाइन टर्म कितना गिवन है, 4 और -8 गिवन है रेस्पेक्टिवली। दिस टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सा टर्म एपी का 0 होगा। तो इजी है, पहले दो इक्वेशन बना के ए और डी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उससे फिर एन फाइंड कर लेंगे। तो ये हमको फाइंड करने का है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करने का है, क्या गिवन है हमको, थर्ड टर्म गिवन है कितना 4, ए 3 इज इक्वल टू गिवन है कितना 4। तो दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ए प्लस 2d कितना गिवन है, 4 गिवन है। इक्वेशन वन आ गया हमारा। फिर इसी तरह से बिकॉज नेक्स्ट कंडीशन क्या आ रही है इसमें, जो हमको गिवन है 9, जो ए 9 गिवन है वो कितना गिवन है, ए 9 है हमको, दैट इज -8। तो दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस 9 है तो क्या करेंगे, 8d = -8। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आ गया है हमारा। अभी क्या करने का है हमको कि इक्वेशन को माइनस कर दें और ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। तो 1 क्या है हमारा, a प्लस 2d = 4, और इक्वेशन 2 क्या है हमारा, a प्लस 8d = -8। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा पहला, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कटअप हो जाएगा, ए से ए कटअप हो जाएगा, और 2d में से 8d माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2d बचेगा, माइनस का 2d इक्वल टू क्या बचेगा, सॉरी कितना बचेगा, माइनस का 6d कितना बचेगा यहाँ पर, 8 और 4 12 हो जाएगा, प्लस का 12। दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 अपॉन माइनस सिक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके d की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो d की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाती है, दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल टू कितना रहेगा यहाँ से, -2। ए कितना आ गया है हमारा, 8 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ए की वैल्यू और डी की वैल्यू फाइंड कर ली, राइट। अब यही वैल्यू रख करके हमें क्या निकालना है, अब ए भी है हमारे पास, डी भी है, राइट। हमें निकालना है ए, एन को ले लीजिए कितना, 0। ठीक है, एन टर्म क्या दिया हुआ है उसका, 0 दिया हुआ है। दिस टर्म ऑफ एपी इज 0, तो ए एन ये रखे तो क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू ए, कितना है ए हमारा, 8 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है निकालने का है हमको, माइनस 1, और डी कितना है, माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट कितना आने वाला है, ये 8 को एलएस ले आ गए तो माइनस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना जाएगा, माइनस 2n प्लस 2। दिस इंप्लाइज दैट कितना आने वाला है, माइनस 8 माइनस 2 -2n = -10 - 10 - 5 तो फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। तो फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, फिफ्थ टर्म 0 होने वाली है।
ठीक है, तो इस तरह से करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमको, एक 17 टर्म हो गई थी, x इज 10th टर्म बाय 7 फाइंडिंग, ठीक है 17 टर्म और क्या गिवन है हमको, a 17 माइनस a 10 इज इक्वल टू क्या है, गिवन है हमको 7। तो d फाइंड यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का है हमको, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, माइनस करके बस वैल्यू पुट अप करो और निकालो आंसर, इजी है। a 17 क्या होगा, a प्लस 16d माइनस a 10 कितना होगा, a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। क्या आने वाला है यहां से, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। a से a कट अप हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट क्या है, 16 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7d इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू कितना आ गया है, 7 अपॉन 7, दिस इज द आंसर। ठीक है, आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं, d की वैल्यू 1 आ गई, इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा ऐसा नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच टर्म ऑफ एपी, एपी गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, 54 टर्म से कितना ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा। तो पहले हम क्या करेंगे इसके लिए, 54 टर्म फाइंड कर लेते हैं, कैसे करेंगे फाइंड, हमारे पास में a गिवन है कितना है 3 है और d कितना है 15 माइनस 3 a 2 माइनस a 1 कितना है 12 है। तो अभी हम क्या निकालेंगे, पहले 54 टर्म, a 54 इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 53d, this implies that a 54 is equal to a कितना है 3 plus 53 into 12 is equal to कितना जाएगा, हमारा ये और 3 plus कितना जाएगा, ये a 54 आ गया है हमारा 639। ठीक है, तो इस तरह से करके पहले हम क्या करेंगे, a 54 टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट जो करने का है हमको, लेट a n इज 132 मोर देन a 54 टर्म, ठीक है n टर्म है जो कि कितना 132 ज्यादा है, तो क्या आएगा, a n इज इक्वल टू a 54 प्लस 132, दिस इंप्लाइज दैट वो n टर्म निकाल लेते हैं यहां से, 54 कितना था 639 प्लस 132, इसे a n कितना जाएगा, ये आ गया हमारा n टर्म, वो टर्म जो 54 टर्म से कितना 132 ज्यादा है। अब इसका n निकाल लेने का है, बस हमको क्या पूछा है कौन सी टर्म है ये, तो हमसे हमको क्या निकालना है, n फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, दिस इंप्लाइज दैट an कितना है हमारा 771 इज इक्वल टू a कितना है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 d कितना है हमारा 12, कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट 771 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो रियलाइजेस ले लिया क्या होगा 12n माइनस 12, ठीक है 12 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों में, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 768, ये 12 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 12 12n, this implies that कितना आने वाला है, दोनों को ऐड कर दीजिए 780 12n, n is equal to कितना आ जाएगा 780 upon 12 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 72 में 0
क्या आ गया है एन 65, ठीक है। तो सो क्या आ गया 65th टर्म ऑफ एपी इज कितना ज्यादा है 132 मोर देन दिस टर्म 54th टर्म। तो इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप, राइट। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है, डी सेम है, यानी कि द डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म इज 100, 100 टर्म्स का डिफरेंस जो है उनका दोनों का 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म, तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होने वाला है, तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले लेट एपीज आर ए वन ए टू ए थ्री ऐसे एंड बी वन बी टू बी थ्री ऐसे, जो टू एपीज ये ले लिया हमने, राइट। तो एन टर्म क्या होगा इधर का फॉर्मूला, अभी क्योंकि हमें 100 टर्म फाइंड कर ली है, ए 100 इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन, 100 है तो क्या सीधा लिख सकते हैं ना 99d, ठीक है। और ऐसे ही बी 100 क्या होगा बी प्लस 99d, क्योंकि दोनों का सेम डी दोनों का सेम है ये, लेकिन दोनों की फर्स्ट टर्म अलग अलग है, राइट, दोनों की फर्स्ट टर्म डिफरेंट है। तो क्या करना है आगे हमको इस क्वेश्चन के लिए, दोनों का डिफरेंस गिवन है, हमें क्या गिवन है ए 100 माइनस बी 100 इज इक्वल टू कितना गिवन है 100 के गिवन है, दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू पुट अप कीजिए वाली ए प्लस 99d माइनस बी प्लस 99d इज इक्वल टू 100, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस 99d माइनस बी माइनस 99d इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएंगे दोनों 99d, तो क्या आ गया हमारे पास में ए माइनस बी इज इक्वल टू 100, यानी दोनों फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ गया हमारे पास में, ठीक है, दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ गया इक्वेशन वन। अब हम क्या करेंगे, 1000 टर्म का डिफरेंस निकालने का है, क्या पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म, क्या निकालने का है हमको ए 1000 माइनस बी 1000 ये फाइंड करने का है। ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए 1000 कितना होता है ए प्लस 999d माइनस बी प्लस 999d, ठीक है, इस तरह से रहने वाला है, ओपन कीजिए इसको, तो ए माइनस 999d माइनस बी ये प्लस है माइनस 999d, ठीक है, ये कटअप हो गया दोनों टर्म, क्या बचा ए माइनस बी बचा, तो दिस इंप्लाइज दैट या ए माइनस बी की वैल्यू इक्वेशन वन से रख देंगे कितनी है 100 है, दिस इंप्लाइज दैट ए 1000 माइनस बी 1000 इज इक्वल टू कितना आ गया 100 ही आ गया, ए माइनस बी की वैल्यू रखते हैं यहां पर कहां से रखी है फ्रॉम इक्वेशन वन, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से करके आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आगे भी इजी क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए खुद से करने का क्वेश्चंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।